बक्सर जिले में पिछले 23 मार्च को नवानगर में हुई पिकअप वैन लूट मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। इस घटना में शामिल दो अपराध कर्मियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से देसी पिस्तौल तथा कारतूस बरामद करते हुए एक अन्य अपराधी वारदात को विफल किया है। साथ ही लूटी गई पिकअप भी बरामद कर ली गई है। एसपी नीरज कुमार सिंह ने इस संदर्भ में शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इस लूटकांड में शामिल एक अन्य अपराध कर्मी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसपी ने बताया कि 23 मार्च की रात्रि में नवानगर के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 स्थित स्टाफ लाइन होटल के समीप पिकअप लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका अनुसंधान पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। इसी बीच 24 मार्च को गुप्त सूचना मिली थी कि दो मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक हथियार के साथ नवानगर थाना क्षेत्र के कड़सर गांव से मलियाबाग की तरफ जा रहे हैं। तीनों युवक संदिग्ध लग रहे हैं। सूचना के आलोक में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के परमडीह पुल के समीप वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया गया, जिसमें दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर युवक एक साथ आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रोकने का प्रयास करने पर युवक अपनी बाइक छोड़कर पैदल ही भागने लगे। भाग रहे युवक को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ने की कोशिश की गई, जिसमें दो युवक पकड़े गए, जबकि एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। एसपी के मुताबिक पकड़े गए युवकों में रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के कुसुंदा गांव निवासी मुकेश कुमार पिता पवन सिंह तथा बादल कुमार पिता शिव शंकर सिंह शामिल हैं। दोनों की उम्र तकरीबन 20 वर्ष है। वहीं भागने वाले युवक की पहचान उसी गांव के कमलेश सिंह पुत्र अनीश कुमार के रूप में हुई है। एसपी ने बताया कि मुकेश कुमार के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई है, जिसमें एक जिंदा कारतूस था। वहीं बादल कुमार की जेब से एक और जिंदा कारतूस रखा हुआ था। दोनों ने पिकअप लूट की घटना में अपने साथियों के साथ अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसपी ने बताया कि घटना का उद्भेदन करने में नवानगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार, डीआईओ के आलोक कुमार, सिकरौल थाना अध्यक्ष संजीव कुमार, थाने में कार्यरत सहायक अवर निरीक्षक भीम कुमार के साथ साथ इसी थाने में रिजर्व गार्ड एवं डीआईओ की अन्य सदस्य शामिल थे। बक्सर पुलिस के द्वारा किया गया है, एक नवानगर में दिनांक 22 और 23 की रात्रि में नवानगर क्षेत्र से पिकअप की लूट की घटना प्रतिबिंबित किया गया था। उसी दिन हम लोग पेट्रोल पंप जो घटना में अपराधियों की धरपकड़ कर रहे थे, उसी दिन हम लोगों को सूचना मिली कि नवानगर में पिकअप वाहन को लूट लिया गया है तीन अपराध कर्मियों के द्वारा। तो कुछ टीम मेंबर को हम लोगों ने इस घटना में जो लगे हुए थे कुछ वेदन में उसी समय तत्काल वहां पर भेजा गया। उस दिन इस संबंध में कुछ जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, लेकिन पिकअप वाहन में जो सामान और भी कुछ सामान के अलावा और कुछ तकनीकी चीज़ छुपे थे, उसका जो है अनुश्रवण किया गया। तो इस कांड में संलिप्त तीन अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इस घटना में जो दो मोटरसाइकिल उपयोग में लाया गया था उसे भी बरामद किया गया है, जो हथियार का यूज किया गया था उसे भी बरामद किया गया है, और इस घटना में जो पिकअप पे जो सामान लोड था उन सारे सामानों को सुजपुरा थाना में इन लोगों के द्वारा फेंक दिया गया था। उन सारे सामानों को सुजपुरा थाना प्रभारी के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस घटना के उद्भेदन के पूर्व इस घटना में जो तीन लोग पकड़े गए हैं उनका नाम मुकेश कुमार है, बादल कुमार है, अनीश कुमार है। ये सभी कुसंदा थाना सुजपुरा जिला रोहतास के रहने वाले हैं। इसमें एक देसी कट्टा, दो 315 का कारतूस बरामद हुआ है, मोबाइल दो है, मोटरसाइकिल दो है और लूटी गई पिकअप की गाड़ी बरामद है, और जो सामान है सभी सुजपुरा थाना के अंतर्गत गदन यादव का अपराधिक इतिहास है। अमित का आपराधिक इतिहास है, वो कई कांडों में वांछित अभियुक्त हैं। उनके ऊपर जो है कि बिहार सरकार ने 50,000 का जो है कि इनाम भी घोषित किया है। उनके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। पूर्व में जैसे कि अभी सरपंच हत्याकांड हुआ था उसमें भी वो संलिप्त हैं, और भी घटनाएं हुए हैं जिसमें उनकी संलिप्तता है।
सर, जिस प्रकार से लगातार अपराध हो रहे हैं और अपराध पे अंकुश लगाने के लिए आप लोग भी काम कर रहे हैं, कई घटनाओं का उद्भेदन कर लिया आप लोगों ने, तो जो आप इसी बल्लेबाजी पुलिस कर रही है, पुलिसकर्मी जो शामिल है, उनको व्यवस्थित करने के लिए कोई देखिए, ये जैसे अपहरण का केस है, फिर होती है कि अपहरण का जो घटनाएं होता है वो हम लोग अपराध शीर्ष में सब। बक्सर की छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं CNB न्यूज़ हेडलाइन।